बिग बॉस के घर में पहुंची सेलेक्टिव ऑडियंस अपने फेवरेट्स को सपोर्ट करने के लिए और दूसरों को बेइज्जत करने के लिए। वेल, ऐसा हुआ है क्या कभी कि जिसको इतना ज़्यादा बाहर प्यार मिल रहा है और बिग बॉस के घर में कुछ सेलेक्टिव ऑडियंस जाती है और वो जा करके उनकी बेइज्जती करती है और सिर्फ कुछ कंटेस्टेंट की तारीफ करती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एमसी स्टेन शिव की बहुत तारीफ हो रही है, तो दूसरी तरफ प्रियंका अर्चना शालीन की बेइज्जती की जा रही है उनके मुंह पर। वेल, ये कंटेस्टेंट जो कि अपनी मेहनत लगन से आगे पहुंचे हैं, तो क्या इनके बिल्कुल फैन नहीं है? जिस तरीके से शिव के एमसी स्टेन के फैंस हैं, तो प्रियंका अर्चना शालीन के भी फैंस हैं। लेकिन बिग बॉस के घर में जो सेलेक्टिव ऑडियंस पहुंची, उसे देख करके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा और इसी वजह से वो बेइज्जती करते हुए नजर आए। वेल, सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर मुंबई पुणे से लोग गए हैं, तो क्या मुंबई पुणे में सिर्फ इनके ही सपोर्टर हैं? क्या इनको कोई पसंद नहीं करता? कोई अर्चना को, प्रियंका को, शालीन को पसंद ही नहीं करता है? तो ये बिग बॉस पर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इन्होंने सेलेक्ट करके उनकी ही ऑडियंस बिग बॉस के घर में भेजी है। फिलहाल बेइज्जती हो रही है अर्चना की उनके मुंह पर, प्रियंका की उनके मुंह पर, शालीन की उनके मुंह पर। यहाँ पर अर्चना कह रही हैं, जब वोटों की अपील के लिए स्टेज पर जाती हैं, वो कहती हैं कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, साथ ही जब लोग ऑफिस से आते हैं थके, तो मैं उनके चेहरे पर स्माइल लाती हूँ। तो लोग क्या जवाब दे रहे हैं कि ऑडियंस कह रही है झगड़ा फाइट करने से एंटरटेन नहीं आता है, बी रियल लाइक शिव। सोचिए, बी रियल लाइक शिव। और दूसरी तरफ यहाँ पर जब अर्चना ने पूछा क्या मैं रियल नहीं हूँ, तो ऑडियंस के सभी लोग कह रहे हैं नहीं। तो अर्चना मतलब किसी को रियल लगी नहीं है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है मेकर्स के ऊपर, क्योंकि ऐसी ही ऑडियंस आ गई। अब मान लीजिए शिव की ऑडियंस है, तो वो शिव को ही सपोर्ट करेगी। अब उस ऑडियंस में क्या अर्चना का एक भी सपोर्टर नहीं था? मुंबई में, पुणे में जितने लोग रहते हैं, क्या अर्चना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं? दूसरी बात, जब यहाँ पर प्रियंका चार चौधरी और शालीन आए, तो जब शालीन की एंट्री हो रही है स्टेज पर, तो लोग उनको चिकन चिकन प्रोटीन प्रोटीन ये चीज़ कहते हुए नज़र आ रहे हैं। शालीन ने कहा कि वो मोबाइल कंपनी में काम करते थे, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, वहाँ पर से ही उन्होंने इंग्लिश सीखी है। प्रियंका चार चौधरी की भी बेइज्जती उनके मुंह पर की गई। उन्होंने कहा आई एम प्लेइंग अलोन एंड आई एम द ओनली वन हु मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हियर। ऑडियंस ने क्या कहा? आपने जिसको भी दोस्त बनाया है, वो सब बिग बॉस के घर से आउट हो गए। तो देखिए किस तरीके से ये सेलेक्टिव ऑडियंस बिग बॉस के घर में गई है और बेइज्जती कर रही है प्रियंका की, अर्चना की, शालीन की और एमसी स्टेन की, शिव की तारीफ कर रही है। तो यहाँ से आप समझिए बिग बॉस का गेम, यहाँ से आप समझ लीजिए कि ये पूरी तरीके से सिर्फ सेलेक्टिव ही ऑडियंस थी जो कि इनका सपोर्ट करने के लिए भेजा गया था और इनकी बेइज्जती करने के लिए भेजा गया था। क्योंकि कोई भी जो इतने इतने ट्रेंड हो रहे हैं, चाहे प्रियंका के लिए, अर्चना को भी पसंद किया जा रहा है, शालीन को भी इनफैक्ट लोग पसंद कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इनके सपोर्टर पहुंचे नहीं होंगे और इनको मौका नहीं मिला होगा, ये हो सकता है अंदर जाने का। फिलहाल आप क्या कहेंगे इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।